जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबर भागलपुर से एमएससी या पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो में हम लोग यह भी बताएंगे कि जो है बीओ का एमएससी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और जो है कब से कब तक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, और भी जो विभिन्न प्रकार की जानकारी है इससे संबंधित हम लोग आप लोग को टाइम टाइम बताते रहेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप लोग को समय समय पर मिलती रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर का जो न्यूज है, ठीक है, यह कब का है? 11 अगस्त 2023 का है। यह किस लिए है? तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नोटिस फॉर एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम 23-24, ठीक है। अगर आप एकेडमिक सेशन 2023-24 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमएससी या पीएचडी में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट फ्रॉम 14 अगस्त से 13 सितंबर 2023 तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कैसा है? वो ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि आप लोग को जो ऑनलाइन के थ्रू ही जो है जो पैसा जमा करना है, ठीक है। जो भी आप लोग का रिक्वेस्ट फी है, जो भी आप लोग को फी बताया जाएगा, वो आप लोग को ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में ही जो है फी को आप लोग को देना है। अगर आप लोग को इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग इस वेबसाइट www.bausabor.ac.in पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को जरूर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट बीएयू से एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं उनके बीच यह जो है वीडियो आप लोग शेयर करें, ताकि उनको भी जो है सारी बातें सारी जानकारी उनको भी जो है पता चल सके। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप लोग को समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।